ओके यस डियर व्यूअर्स, जैसा आपने पहले देखा कि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हमारे स्कूल के अंदर आज साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। बच्चों ने बहुत शानदार बहुत खूबसूरत यहाँ पर बना है, बॉर्डर्स बनाए हैं, काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी अच्छे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बनाए वेरियस स्टेज ऑफ मेसोसिस इन एनिमल सेल्स, क्लास 11th बायोन बनाया, उसको बनाने वाले हैं आयुषी राजौरिया। बहुत अच्छे एक पार्ट्स को आप देखिए, कितना अच्छा अच्छा डिस्क्राइब किया है, सारे पार्ट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट इज़ मेड बाय रूपल नाग, स्टूडेंट ऑफ 11th बायो। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती है सारे पार्ट्स को, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके सामने यहाँ पर एक सिस्टम को रख दिया है, ओरियन सिस्टम लग रहा है। यहाँ पर देखिए आप कितनी खूबसूरती पार्ट्स बनाया है, बहुत मेहनत करी है रूपल ने यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, इसको बनाने वाले हैं क्लास 11th सृष्टि जैन, 11th बायो से हैं। सारे पार्ट्स को उन्होंने वेल डिफाइन किया है, अच्छे से लिखा है, बड़ा बारीकी से काम किया, खूबसूरत काम किया है। फिर आगे मूव करते हैं स्मूथ मसल्स मयंक सिलावट 9C, वेरी गुड। देन नेक्स्ट रीना साहू ह्यूमन हार्ट, देखिए ह्यूमन हार्ट्स को ये वर्किंग मॉडल था, यहाँ पर उन्होंने ये छोटी छोटी नर्व्स बनाई हैं और ये वर्किंग कर रही थी, सारे नेम्स लिखे हुए उन लोगों ने, बहुत अच्छा यहाँ पर बनाया है रीना साहू 9C से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिसोसिस पॉपीज एंड इट इज़ मेड बाय अदीबा मंसूरी, क्लास 11th बायो, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बहुत बारीक अच्छा काम किया है। मैं कैमरा को पास लेके आएँ, अब देखिए सारे पार्ट्स के बारे में बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, हर एक पार्ट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है, बड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम है अदीबा का है। अदीबा है यहाँ पर क्या, क्लास में चलेंगे अदीबा, तो एक एक चीज़ को बड़ी अच्छे से डिवाइड किया है। द नेक्स्ट बैक्टीरिया सेल एंड इट इज़ मेड बाय गौरी कुशवा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9C, तो बढ़िया अच्छा बनाया यहाँ पर। व्हाट इज दैट फाइलस, ओके ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने देखो कितने बढ़िया शानदार बच्चों ने बनाए, काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और इनका बनाने का टीचर्स का हमारा ये पर्पस है कि जब बच्चे इनको बनाते हैं तो बनाते बनाते सीखते भी हैं, तो हर साल हम ये आयोजन करते हैं, ठीक है ना, और आगे भी इससे बेहतर करेंगे हम लोग। और हमारा उद्देश्य, हमारे स्कूल का उद्देश्य, हमारे टीचर्स का उद्देश्य, इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे जिस पर काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। और बड़े अच्छे से बनाया है, काफ़ी बच्चों ने बनाया, मैक्सिमम बच्चों को बनाया है, और इसमें हेल्प करने के लिए सुलेखा मैम, उनका गाइडेंस था, उनके गाइडेंस में बच्चों ने बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे। चलिए और आगे वेट करते हैं, देखते हैं हम लोग। ओके, सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट व्हिच आई एक्चुअली एडमायर मोस्ट एंड दिस इज द स्केलेटन, कंफर्म है ना? ओके, ये पता चलता है कि ठीक है हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं, किस बोन का क्या रोल है, कौन सी जो बोन है वो लॉन्गेस्ट वन है, कौन सी बोन है जो स्मॉलेस्ट वन है, तो आप देखिए कितने परफेक्टली इसको डिजाइन किया गया है। एंड ये एक हमारे स्टूडेंट ने डिजाइन किया है जिसका नेम है स्नेहा रघुवंशी फ्रॉम स्टैंडर्ड 11th। So, you know how clearly she has built all the ways. ये मेरा favorite रहा है, yes. है ना? क्योंकि okay. मैं मानता हूँ it is the truth of life. है ना, हम लोग कितना भी घमान कर ले, कुछ कर ले, आखिरी में जाके यही मिलना है, ठीक है ना? बट उसने ऐसे थोड़ा हेल्दी बना दिया है, क्योंकि इतना हेल्दी स्केलेटन मैंने नहीं देखा है, पहली बार देखा है, तो वेल डन बेटा, बहुत अच्छा बनाया। चलिए आगे करते हैं। So the next are all about the cells. जो cells living organisms में present होती है, prokaryotic cell, यूकैरियोटिक सेल एंड ऑल, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली हमारे स्टूडेंट्स ने इसको डिजाइन किया हुआ है, अलग अलग कलर्ड पार्ट से उन्होंने ईच पार्ट को आइडेंटिफाई किया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसको डिजाइन किया है कनिष्का चौधरी ने फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th। एंड सर व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन एंड इट इज श्रुभि डागर, ओके, स्टूडेंट क्लास 11th बायो, ओके, एंड बायोलॉजी प्रोजेक्ट, व्हाट इज दैट मैम? वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, राइट, यस, वेल डिफाइंड। द नेक्स्ट वन इज All about paramecium. Paramecium. Yes, and this is one of the microorganism. So, किस तरीके से beautifully उसके अलग-अलग parts को define किया हुआ है? And it is prepared by Sheetal Dhakar, student of 9th. Yeah. Okay, now Radhika Thakur, beautiful DNA structure. Yeah. Student of class 9th. Yeah. Next we move to human heart, and it is made by Himanshu Dhakar, student of class 9th B. Sorry, 9th. And the next one is mitosis process. तो माइटोसिस प्रोसेस में कैसे मदर सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, क्रोमोसोम्स कैसे जेनेटिक मटेरियल उसमें डिवाइड होता है, एंड ये बनाया है खदीजा उमरा ने फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th। देन अगेन ह्यूमन हार्ट एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय, प्लीज लेट्स सी द नेम, सिद्धि सोनी, स्टूडेंट ऑफ 9th A। एंड नेक्स्ट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम,
and it's basically prepared by Prachi Jain from standard 11 and see how beautifully she has elaborated. बड़ा अच्छा किया उन्होंने. Exactly. name के साथ साथ यहाँ पर उनका क्या role है वो भी mention किया हुआ है. मैंने बड़ा अच्छा काम किया. जैसे liver है तो liver का क्या role है, mouth है तो उसका क्या role है, salivary gland का क्या role है, anus, rectum, small intestine, large intestine, जो भी हमारे digestive system के part है. और उनका rules क्या वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है. Prachi Jain. Bio. Okay. Okay. Now next move to Roshni Thakur, student of 9C, and she prepared. You know whole digestive system. Whole digestive system. Yeah. बड़ा cleanly इसको बनाया है और सारे उसने जो parts थे उसको भी उन्होंने लिखा है, identify किया है, mention किया है. Now then animal cell. Yeah. And it is made by Diksha Thakur, student of 9B. Now move to another. Priyansh Lodhi, standard 9th, and she made a beautiful diagram of Hydra. Hydra. Yeah. Next, it is hidden. Please let's see. Huh, it is beautiful. Yeah, striated muscle. Muscles, it is. And it is made by Krish Dhakar. Nice. C. Yeah. Okay, nice one. Another nephron, one is nephron model. Shishal Thakur. Yes. Again next now, bacterial cell, and it's made by Ambika from 9B. Next is Colin Kaima tissue, and this has been, you know, designed by Raghavendra Dhakar from standard 9B. Then human kidney, and it is prepared by Shrusti Chauhan, student of 9C. Next last one is all about meiosis division, and Lilavati Patel from 9 standard has basically designed it. So you can see that how beautifully she has, you know, elaborated all the stages, meiosis 1, meiosis 2. बड़ा neat and clean उसने बनाया है, बड़ा सावधानी से एक-एक parts आपको दिख रहा है, उसने names भी बहुत अच्छे mention किए हैं. Obviously. Very good. So this is all. Next अब हमारा human ear है, very okay बस. Yes. देखिए ना, human ear है ना. ये शायद मेरे को इसमें तीन parts में मैंने बच्चे से पूछा था, तो that is called the inner. Yeah. सबसे last का ear और ये middle. Okay. और ये हमारा सबसे जो दिखता है. तो ये हाइडेड ईयर भी होते हैं शायद. यस ना मैम. यस सर, यू आर राइट. क्योंकि इनविजिबल के अंदर होते हैं, ये मिडिल हो गया और ये सबसे लास्ट में हो गया एंड ये आउटर हो गया. आउटर ईयर हो गया. तो व्यूअर्स प्लीज देख लें आप लोग, हमारे तीन कान होते हैं हमारे. हाँ, ये तो दिखता है और उसके बाद दो और होते हैं, एक बीच वाला और एक सबसे पीछे वाला. ओके. तो मुझे भी नहीं पता था, बच्चे ने मुझे बताया कि सर ये मिडिल है और ये यहाँ पर है. एंड आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो भी एयर के अंदर ही प्रेजेंट होती. अच्छा, मतलब बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है. स्मॉलेस्ट बोन एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज द स्टेप्स. स्टेप्स. यस. ओके, थैंक यू मैम फॉर इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड इट इज मेड बाय उर्मिला मालवी, 9C, एंड प्लांट सेल. प्लांट सेल. तो प्लांट सेल बनाया है. तो अभी हमने एनिमल सेल देखा था. तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में ये डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल्स होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. अच्छा, दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज हैविंग. Next, fractional distillation. Distillation. Yes. And it is prepared by Anshika Thakur, student of 9th. Yeah. अच्छा, पूरा distillation के बारे में यहाँ पर नाज़मीन बताया हुआ है ना? Exactly. How to fractional distillation कैसा होता है? Yes, distillation. सारी चीजें लिखी हुई है, water outlet, water condenser, cool water container. ठीक, beautiful design किया. Exactly. ये last में शायद ये burner है मामा ना? Yeah, obviously burner it raises the temperature. कि जब temperature rise होता है, तो liquid पे उसका क्या impact होता है? किस तरीके से distillation process आगे बढ़ती है? ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड यू नो मैसेज गिवन प्रोजेक्ट, दैट इज वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, एंड इट इज प्रिपेयर्ड दीपिका साहू. नाइन्थ के बच्चे ने बनाया ये. एग्जैक्टली. और कितना सारा ब्यूटीफुल सुंदर बनाया, काफी अच्छी मेहनत करी है. ऑब्वियसली हम जितना भी वेस्ट मटेरियल वाटर में यू नो फ्लो होता है, तो उसके बाद किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, किस तरीके से वाटर स्टेप बाय स्टेप क्लीन होता है. ये मतलब ये डर्टी वाटर हो गया, उसके बाद फ्लो करते करते लास्ट में यहाँ पर ये लिखा हुआ प्योर वाटर लिखा हुआ है. एग्जैक्टली. इतनी 1, 2, 3, 4 स्टेप करने के बाद हमें यहाँ पर प्योर वाटर मिल रहा है. बड़े अच्छे से खूबसूरती बनाया और उन्होंने पूरी ग्रीनरी मेंशन करी. ग्रीनरी पार्क का भी एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, उसको बताया. वेरी गुड दीपिका, ने अच्छा काम किया है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मैम. मरियम खान, स्टैंडर्ड 9A, मियोसिस सेल डिवीजन बनाया है. तो यहाँ पे भी उसने यही शो किया है कि अलग अलग जो स्टेजेस है उसमें मियोसिस क्या कंडीशन में कैसे डॉटर सेल डिवाइड होती है, कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से यू नो यंग वंस में जनरेट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. यस. देन पायोलॉजी एंड साइंस प्रोजेक्ट, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट? कॉलिन काइमा स्ट्रक्चर. कॉलिन काइमा स्ट्रक्चर. तो सर आपको पता होना चाहिए कि कॉलिन काइमा स्ट्रक्चर जो है
बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो भी सेल में या बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू मूव, तो वो कॉलेनकाइमा, जो लचीलापन जो होता है ना, एग्जैक्टली, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा स्ट्रक्चर। यस, चलिए नेक्स्ट डाइजेस्टिव, फिर दूसरा आ गया हमारे पास, ये भी अच्छे डिफाइन किया है सारे उसके पार्ट्स के बारे में, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट, हां ये फर्स्ट हमारे पास, एंड इट इज मेड बाय दिव्यांशु धाकड़, स्टूडेंट ऑफ 11th बायो, यहां पर भी सारे उन्होंने नाम रखे हैं। यस, जैसे कि जो रूट से वो मोनोकॉट एंड डाइकॉट होता है, तो मोनोकॉट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है उसको देवांशी ने यहाँ पर शो किया। पूरा हम लेयर से बताया हुआ ना, जो डिफरेंट लेयर्स से, सिंगल से लेयर से, एग्जैक्टली, ये रूट की लेयर होती है वो सारी बताई, ये पर मोस्ट है सबसे लास्ट की वाली लेयर, यस, एपिप्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, इस तरीके से। नाउ देन नेक्स्ट इज ऑल अबाउट सेक्शन ऑफ स्टेम, जो स्टेम होती है प्लांट में उसके अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं, किस तरीके से स्टेम पूरी तरीके से वाटर का यू नो ट्रांसमिशन करती है पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट के बारे में बताया हुआ है, अलग अलग उसके जो लेयर्स है उसको बताया गया है। दैट इज मेड बाय निशा पटेल, स्टूडेंट ऑफ 9th सी, देन इट इज अनुभव पटेल, 11th बायो, स्ट्रक्चर ब्यूटीफुली बनाया, नर्व सेल्स, या ये नर्व सेल्स दिख रहा है आप लोगों को, इसके बारे में शायद उसने बता दिया होगा पूरा आपको, पूरा तो हमारे बॉडी में जो भी मैसेजेस हमारे ब्रेन को मिलते हैं तो वो सारे मैसेजेस को ट्रांसफर करने में नर्व सेल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वही बड़ी बात होगी, मैसेज मतलब हम जो मैसेज करते हैं ना, चैट करते हैं मैसेज, तो ये भी मैसेज होता है, ये भी कोई पिंच लगती है, तो वो मैसेज कैसे हमें हमारे माइंड तक पहुंच रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं हर्ट हुआ है हमें, तो वो कौन काम करता है, नर्व सेल, नर्व सेल्स काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं और बच्चों ने इससे पहले दे दिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो अभी प्रोजेक्ट्स हैं मॉडल्स बनाए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट इज मेड बाय योगेंद्र शिल्पी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th बी, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, यस, ओके, ये बड़ा शानदार लग रहा है, देखिए आप प्लीज इसको जूम करें, हम नर्व सेल्स कितना खूबसूरत, उसमें कलर बहुत अच्छा दिया है, उसमें जो फिनिशिंग करी है बहुत बढ़िया करी है, और सारे पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है क्लियर, कि हम पार्ट्स को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है। बहुत अच्छा काम ये काम किया प्राची मिश्रा, स्टूडेंट ऑफ 9th ए, ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर, नेक्स्ट इज अमीबा आर्यन धाकड़, स्टैंडर्ड 9th से जो है उन्होंने बनाया है। तो अब देखिए अमीबा जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये किस क्या अपने जो फूड है उसको सक करता है, तो ये अपने जो शेप है अपने बॉडी का उसको अपने फूड लेने के लिए अपने शेप को उस तरीके से मेंटेन करता है और उसको सक करता है, तो दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। स्टारफिश, ये इससे पहले हमने नहीं देखा, फर्स्ट बना हुआ है, फर्स्ट इट इज पार्ट ऑफ अ सेल, नाउ यस, ओके, नाउ लेट्स मूव ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट वी हैव ऑलरेडी अबाउट रेड अबाउट इट, पैरामीशियम, यस, सो इट इज आल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज मेड बाय प्रिंस रेनाटिव, स्टूडेंट ऑफ 9th बी, नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रोजेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टारफिश, ओके, अनदर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन वी हैव ऑलरेडी फंक्शन सारे कहाँ से होते हैं, ब्रेन से ही होते हैं, एग्जैक्टली, इसमें काफी अच्छा खूबसूरत बनाया है, इसको जूम करेंगे फिर आंसर आप देखिए, अब कितनी बारीकी से जो कटिंग उसने करी है, बड़ी शानदार, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा काम किया है। एंड ह्यूमन ब्रेन भी डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जैसे हमने एयर के बारे में देखा था, एग्जैक्टली, इंटरनल हो गया, मिडल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, ठीक ठीक, बहुत अच्छा, नंदी, नंदी चौहान, यस, देन इट इज डीएनए अगेन, हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ यूनियो, ओके, इट इज यूनियो, यूनियो, व्हाट इज दैट यूनियो, इट इज बेसिकली द मैरिन ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड इट इज, यस, ओके, कार्तिक चौधरी, स्टूडेंट ऑफ 9th बी, देन इट इज कार्डियक मसल, जो हमारे ह्यूमन हार्ट में जो प्रेजेंट होती है जो मसल, और ये वही मसल है जो सिर्फ ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल, ओके, ओके, देवांश पटेल, स्टूडेंट ऑफ 9th बी, नाउ लेट्स लुक टू अनदर, अभिनीत ठाकुर, ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन बाय मुस्कान सोनी फ्रॉम 9th बी, व्हाट इट इज, जो प्यूरिटी ऑफ वाटर, कोई भी लिक्विड है उसके हम इम्प्यूरिटीज को जब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो फिर जो प्योर लिक्विड बचता है, तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है इमिसिबल लिक्विड की, ये बताई गई है। ठीक है, देन आर्या जैन 9th बी,
व्हाट इज दैट कार्डिक मसल्स हम बात कर चुके इसके बारे में, भूपेंद्र का 9th साइंस प्रोजेक्ट ओके, देन भाव्य ग्रीश क्लास 9th भी इन्होंने ह्यूमन किडनी के बारे में हमें यहां बताया है ब्यूटीफुली, शी हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट कि कितने कंपोनेंट्स हैं किडनी में, किडनी किस तरीके से एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल, मतलब देख रहे हैं नंबर्स लिखा हुआ, नंबर के बारे में उसके पार्ट्स के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, क्लियरिटी से काम किया हुआ है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आर नेक्स्ट शिपा क्लास 9th सी, इट इज अ नर्व सेल, हम पहले देख चुके हैं ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, देन अगेन नर्व सेल्स, दो दो नर्व सेल्स यहां पे आ गए, यस स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स, ग्लाइकोलाइसिस, बॉडी में ग्लूकोज का कैसे फॉर्मेशन होता है उस पूरी प्रोसेस को बताया है यहाँ पे रक्षा वर्मा ने, जूम करके देखें सारा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कैसे इसको उसका प्रोसेस होता है, सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम नीट एंड क्लीन। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर ईशा गौर 11 बायो नर्व सेल्स, बच्चों ने बहुत सारे बनाए, शायद बच्चों को नर्व सेल वाला टॉपिक ज्यादा पसंद आया होगा, तो बच्चों ने 5-6 का नर्व सेल बना दिया, प्लांट सेल देखिए प्लीज थोड़ा जूम करेंगे फरांसर आप, एंड इट इज मेड बाय अंजलि केवट स्टूडेंट ऑफ 9th बी, प्लांट सेल्स हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन ये वाला बड़ा खूबसूरत है, बड़ा फिनिशिंग का क्वालिटी है और शायद इसमें ये इसके नाम से भी लिखे हैं वो थोड़ा उल्टा लग गया है उसको ऐसा फ्लैट रखना भी, बट काफी अच्छा बना हुआ है, ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस भी हम देख सकते हैं, वॉल से सेल वॉल जो है वह प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आकाश जारी है 9th यस ओके, नाउ देन माइटोसिस अगेन स्टेम का सेक्शन ह्यूमन आई ओके ओके, नाउ हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल एग्जाम अर्जी है 9th ए ओके, देन मयंक लोधी ने बनाया 9th बी, डीएनए मॉडल्स पहले रख चुके हैं, फिर स्टारफिश अगेन आ गई है एंड इट इज मेड बाय कशिश ठाकुर स्टूडेंट ऑफ 9th सी, यस अगेन ह्यूमन आई बाय प्राची पटेल फ्रॉम 11th बायो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, अभी हमने मोनोकोट देखा था इससे पहले एंड ये डाइकोट का स्ट्रक्चर देखिए आप कितने अच्छे से उसको आइडेंटिफाई किया, बड़ा बारीक काम किया, ये अंदर में सारे चीज को यहाँ पर बताया हुआ है, काफी मेहनत लगी उसे बनाने में, सारे नाम भी बनाए उन्होंने, आइडेंटिफाई वेरी गुड। उसके बाद फिर डीएनए मॉडल आ गया हमारा, यस जेनेटिक मटेरियल एंड लास्ट वन इज बैक्टीरियल सेल, ठीक। तो तारिशा 9th सी इन्होंने बनाया विट्रियस ह्यूमर, यस एक्चुअली इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यस Then, this is all about the excretory system. Muskan Lodhi. Muskan Lodhi. 11th bio. Yes. And mitosis division. Roshan Sarathe. Euglena. Again the microorganism. Okay. Thomson atomic model. Atomic model based on chemistry it is. Yeah. So, all the viewers, as you have seen, that students ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ वो सामने आए और हाँ। सर शायद हमने भी बहुत ज्यादा कुछ उससे सीखा, आपको क्या लगता है इसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए? कंक्लूजन मैम काफी अच्छा लगा क्योंकि बच्चे जब हम बुकिश बात करते हैं तो थोड़ा सा बुकिश में बच्चे थोड़ा सा ओवरलोडेड हो जाते हैं, उनको बोरिंग होता है, लेकिन जब हम क्रिएटिव की बात करते हैं प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं इसके लिए, जैसे आपने देखा बच्चों ने कितना अच्छा अच्छा बारीक काम किया, जब बच्चे वो करते हैं तो डेफिनेटली सीखते भी हैं, तो प्रोजेक्ट कराने का हमारे स्कूल का मतलब मकसद ये होता है कि बच्चे कम से कम उस चीज को करें और बेहतर ढंग से सीखें, और उसका बहुत अच्छा आपने जब आपने डेमोन्स्ट्रेट किया था तो आपने देखा होगा exactly. बच्चों ने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, या वेरी ट्रू, तो उनका डेमोन्स्ट्रेट कैसा था मैम? इट वाज लाइक उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे प्रोजेक्ट्स एंड मेडल्स को शो किया एंड उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इसका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पर, जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मॉडल्स के थ्रू भी बच्चों ने यही बताने की कोशिश की कि हम जो साइंस का रोल है ह्यूमन लाइफ में वो कितना सिग्निफिकेंट है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि कितने ज्यादा वेट को एक छोटा सा पॉइंट यू नो ऑब्जर्व कर लेता है, तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हैं बनाई हैं और हम सब ने जूनियर सेक्शन सीनियर सेक्शन स्टाफ मेंबर सभी ने उससे कहीं ना कहीं कुछ सीखा, तो वात्सल्य हमेशा से कुछ नए इनिशिएटिव के साथ आता है ताकि बच्चों में एक जो माइंडसेट डेवलप हो वो यूनिक हो और वो अपने फ्यूचर में भी इस चीज के हेल्प से बहुत कुछ ब्राइट करें। डेफिनेटली जब बच्चे करते हैं तो सीखते हैं और हमारा जैसे मैम ने कहा कि वासल का सिर्फ सिंपल सा मोटो है, वो सारी चमक वगैरह नहीं हमारे पास, ठीक है, हम वो कोशिश करना चाहते हैं कि जो बच्चा सीखे उससे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जब बच्चे बनाया है जब बच्चा काम करे एक एक बच्चे को 3-3, 4-4 दिन इसको बनाने लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत करी उन लोगों ने बहुत करी और जब वो करते हैं तो वो सीखते हैं, एग्जैक्टली, तो इस टाइप के आयोजन हम हर साल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे सारे व्यूअर्स से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि इसको आप लाइक करें शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल्स को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक तो जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं पता थी जब मैंने वीडियो देखा मैम से पूछा
इवन आपको ईयर के बारे में बताया कि हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी बॉडी के अंदर क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या नेम्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में नहीं पता है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी और लोग भी इसको देख सके। अगेन थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू।